नए व्यूअर्स, जल्दी से सेलेब्स फॉर स्टाइल को सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर देना। दोस्तों, हेमा मालिनी, जिन्हें बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल के रूप में जाना जाता है, बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रही है। हेमा ने अपने शानदार लुक से न सिर्फ दिल जीते हैं, बल्कि उनकी बेदाग अभिनय क्षमता भी उनके प्रशंसकों के बीच काफी मशहूर थी। सिर्फ उनके फैंस ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड की कई हस्तियां भी उनके फैंस में शामिल थे। वास्तव में कई अभिनेता हेमा से शादी करना भी चाहते थे और उन्होंने शादी के प्रस्ताव भी भेजे थे। क्या आप जानते हैं कि दिग्गज अभिनेता राजकुमार भी उनमें से एक थे और हेमा मालिनी से वह शादी करना चाहते थे। साल 1971 में फिल्म निर्माता FC मेहरा फिल्म लाल पत्थर बना रहे थे, जिनके लिए उन्होंने राजकुमार और वैजयंती माला को साइन रखा था, लेकिन मौके पर राजकुमार ने वैजयंती माला के साथ काम करने से इनकार कर दिया था और डायरेक्टर से हेमा मालिनी को साइन करने का जिक्र करने लगे। राजकुमार की जिद से फिल्म निर्देशक और निर्माता दोनों चौंक गए थे और उस समय हेमा मालिनी इंडस्ट्री की नौसिखिया एक्ट्रेस थी और इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी ओर वैजयंती माला कामयाबी की शिखर पर थी। आखिरकार राजकुमार की जिद के आगे निर्माता को झुकना पड़ा और उन्होंने वैजयंती माला को हटाकर हेमा मालिनी को इस फिल्म का ऑफर दे दिया, लेकिन हेमा मालिनी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। राजकुमार को इस बात का बुरा नहीं लगा और उन्होंने हेमा मालिनी को इस फिल्म के लिए काफी मनाया और राजी भी कर लिया। शूटिंग के दौरान राजकुमार हेमा मालिनी का काफी ख्याल रखते थे और हेमा की गलतियों को संभाल लिया करते थे। हेमा मालिनी को राजकुमार का ये अंदाज काफी पसंद आया और वो पहले से भी राजकुमार की स्टाइल की फैन थी। शूटिंग के दौरान राजकुमार हेमा मालिनी के प्यार में पड़ गए थे और फिल्म रिलीज होने के तुरंत बाद ही उन्होंने हेमा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन हेमा उन्हें बस फैन की तरह ही पसंद करती थी और इसी कारण हेमा मालिनी ने राजकुमार का शादी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इसके बावजूद भी राजकुमार आज भी हेमा मालिनी के चहेते कलाकारों में से एक है। फिलहाल के लिए बस यहीं तक। दोस्तों, ऐसी अपडेट्स पाने के लिए सेलेब्स फॉर स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।